कुमार विश्वास को लेकर बड़ी खबर है। कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंची है। एक्सक्लूसिव तस्वीर तो दिखा दें। आम आदमी पार्टी के सबका आगू कवि कुमार विश्वास को लेकर बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस उन्हां दे घर पहुंची है। कुमार विश्वास ने खुद ट्वीट करके तस्वीर सांझिया करके फिलहाल ये चीज मीडिया के सामने रखी है। विश्वास के घर पहुंची पुलिस दी तस्वीर पोस्ट कीतिया हन। तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं। हालांकि साफ नहीं होया कि विश्वास के खिलाफ की केस किया गया है, पर सूत्रां दे वाले तो वड्डी खबर तुहानू दिखा रहे हैं कि पुलिस वारंट लेके पहुंची है। आई टी एक्ट का कोई वारंट है, आई टी एक्ट के तहत नोटिस लेके पुलिस पहुंची है। सूत्रां दे वाले तो वड्डी खबर आ रही है ते विश्वास दे खिलाफ की केस है। हुण तक ये चीज सामने नहीं आ सकी। अपने ट्वीट च कुमार विश्वास की लिखते ने दिखा रहे तुहानू, सवेरे सवेरे पंजाब पुलिस घर आई है ते एक समां मेरे वल्लों ही पार्टी च शामिल करवाए गए भगवंत मान नू आगाह कर रहा मैं कि तू दिल्ली च बैठे जिस आदमी नू पंजाब दे लोकां दी दित्ती हुई ताकत नाल खेडन दे रहा है, वो एक दिन तैनू अते पंजाब नू भी धोखा देवेगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। साफ तौर ते डॉक्टर कुमार विश्वास ने गल लिखी है, तुसी देख सकते हो। तस्वीरां भी उन्होंने सांझियां कीतियां हन। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर तो दिखा रहे हैं कि किवें उन्होंने धोखे की गल कही है। केजरीवाल दे उपर ये साफ तौर पर इशारा, उन्हों का सीधे तौर पर भगवंत मान नू टैग किया ते उन्होंने साफ तौर पर आगाह कर दिता हैगा भगवंत मान नू कि तुसी खेड रहे हो ते जिस आदमी ते तुसी भरोसा कर रहे हो तुहानू धोखा देगा। सुभाष शर्मा साहब साडा जुड़ चुके ने बीजेपी दे सीनियर आगू। शर्मा साहब देख रहे सी कि बदलाखोरी दे तहत सब कुछ हो रहा है, ये समझी? बिल्कुल बदलाखोरी हो रही। मैं कहना हिंदुस्तान ने कभी ऐसा काम ही नहीं देखा होना। मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी, उसके खिलाफ जो व्यक्ति ट्वीट कर रहा है वो दिल्ली च रहा है, परचा पंजाब पुलिस दर्ज कर दी और फड़न पंजाब पुलिस चल दी। कभी ऐसा होंगे पहला बीजेपी के दो लीडर खिलाफ इदा किया, तजिंदर बग्गा के खिलाफ, अनिल जी के खिलाफ। देश का एडा वड्डा कवि है जो आलोचना कर रहा है, आलोचना बर्दाश्त करो। संस्थापक सदस्य से इनकलाब जिंदाबाद के नारे उन्होंने स्टेज पर कुमार विश्वास ही लाता से, कविता पढ़ता से। अब कुमार विश्वास ट्वीट भी करते, पंजाब की पुलिस का की लेना देना? मैंने गल समझाओ, ये पंजाब की पुलिस को अपनी निजी खुनका कड़न लिए अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता इस तों शर्मनाक गल मुख्यमंत्री लिए पंजाब के और पंजाब के डीजीपी लिए हो नहीं सकती। ये कुछ तो शर्म कर लैन। पंजाब के अंदर अपना बुरा हाल है, 30 तो वध कतल हो गए पिछले एक महीने। मैं यही गल कह रहा हूं शर्मा साहब कि पंजाब की कानून व्यवस्था माड़ी हो रखी है, उस वल तुसी ध्यान नहीं दे रहे। कर्फ्यू लाता 11 बजे तो बाद रात को सारे व्यापारक इदारे बंद रहे जी, लुट्टा खोहां बहुत हो रही है। पुलिस तुहाडी किस काम च लगी है? पुलिस लगी है कुमार विश्वास को फड़ लियाओ दिल्ली जाके, फलाने को फड़ लियाओ दिल्ली जाके। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट कर दे। दोष की है हम दसो, अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास के खिलाफ की दोष है? ट्वीट किया है जी। अरे भैया हिंदुस्तान ट्वीट करना पाप है? अरविंद केजरीवाल साहब तो देश जाते हैं, सारी सियासत करते हैं, झूठे इल्जाम लाते हैं दुनिया भर के। जे कोई नेता उन्होंने खिलाफ बोलेगा कल आंध्र प्रदेश जाएंगे उत्थे कोई बोलेगा पंजाब पुलिस आंध्र प्रदेश तोड़ दो, जे परसों वो महाराष्ट्र जाएंगे उत्थे कोई नेता बोलेगा पंजाब पुलिस महाराष्ट्र। पंजाब पुलिस में ही कम रह गया कि जो केजरीवाल के खिलाफ बोले तो खिलाफ आई टी एक्ट पर्चा दर्ज करो तो फड़न तुर जाओ। शर्म ना भी कोई चीज बची नहीं है। गल्लां करते हैं लोकतंत्र दियां, गल्लां करते हैं बाबा साहब अंबेडकर दियां, गल्लां करते हैं संविधान दियां और एमरजेंसी वाले हालात बनाते इन्होंने। ऐसा हाल था कांग्रेस ने एमरजेंसी नहीं किया इंदिरा गांधी ने, जो भी नारे नूरे लाने वाले प्रदर्शन करने वाले अंदर जाते थे, ये तो ट्वीट करने वाले कहते फट के अंदर दे दो, पंजाब की बनो। मतलब हैरानी इस गल की है। देखो ट्वीट कर रहे हो केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली का ट्वीट जिसके खिलाफ हो रहा है, दिल्ली का परचा दर्ज कर रही है पंजाब की पुलिस, खड़न जा रही है पंजाब की पुलिस। पंजाब पुलिस का की काम है जी? उसे शर्मा साहब मेरी आवाज आ रही थोड़े तक? शर्मा साहब तुसी ट्वीट देखे कुमार विश्वास का, उदे च अगवा कीता गया भगवंत मान नू? बिल्कुल, मैं तो आप अगवा कर रहा भगवंत मान नू, डीजीपी नू ये काम बंद करो। पंजाब पुलिस का कोई काम नहीं है पंजाब के बाहर जाके अरविंद केजरीवाल दे इशारियां ते, जिहड़े अरविंद केजरीवाल दा सियासी जिहड़ी किड़ कढ रहा अरविंद केजरीवाल लोकां नाल, पंजाब पुलिस उहदा टूल ना बने, उहदा टूल ना बने। खतरनाक ट्रेंड सैट कर रहे ने आम आदमी पार्टी वाले। तुसी मैनूं दस्सो, रोज बकवास करदे ने, दूजिया पार्टिया के नेतावान के खिलाफ झूठे इल्जाम लाते हैं। जे बाकी सूबे दरकार बीजेपी दरकार बहुत सूबे च उसे इन्होंने खिलाफ परचे दर्ज करके उसे पुलिस आनी शुरू हो जाए, पंजाब दिल्ली फिर की होगा? ये कुछ चंकी तरह पा रहे हैं, ये तो कभी हिंदुस्तान च नहीं हो इस तरह का सियासी बदलाखोरी तो पुलिस का प्रयोग करके। मैं तो केजरीवाल साहब से दुख हो रहा, केजरीवाल साहब से नहीं हो रहा, भगवंत मान साहब से दुख हो रहा कि भगवंत मान साहब इन्ने ज्यादा कठपुतली बन गए ने। और मैं डीजीपी साहब को भी कहना चाहना कि वह संविधान ना बजे ने, पोलिटिकल स्टूज ना बनन अरविंद केजरीवाल का, यह कोई चंगी चीज नहीं।
शर्मा साहब आखिरी सवाल तुहाडे तों, हुण तुसीं सुशील गुप्ता जिहड़े राज्यसभा मैंबर ने एसवाल ते उहनां दा बयान भी सुणिया होणा, हुण फ्री बिजली दा रौला भी पै गया, पहली उलझी भी नजर आ रही है, तुहानूं लगदा कि आम आदमी पार्टी नूं अपना स्टैंड क्लीयर करना चाहीदा? देखो जो बयान सुशील गुप्ता ने दिता वो केंद्रीय नेता ने राज्यसभा के मैंबर ने बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी तो नहीं दिता, हो सकता गरंटी दिती है ये कहने साड़ी गरंटी तो अभी पूरी करते हैं, जोर शोर में अरविंद केजरीवाल जाता है कि मैं जो गरंटी दिना पूरी करना, हूँ अगर अरविंद केजरीवाल साहब के कहने से सुशील गुप्ता जी ने गरंटी दिती कि एस वाई एल का पानी लेके आवेंगे तो बिना भगवंत मान की सहमति तो दे नहीं सकते, क्योंकि एस वाई एल जो बनी है तो भगवंत मान की सहमति होनी चाहिए है कितने ना कि, और अभी तो देख रहे हैं जिदा केजरीवाल साहब की चल रही है पंजाब से, पंजाब की पुलिस तुरी फिरती है, तो मैंने तो खदशा है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर भगवंत मान जड़े हैं वो एस वाई एल बना के पानी हरियाणा में देंगे, ये बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आ रहा है, पंजाबी चुकन्ने हो जाए चेतन हो जाए, ये भेड़ की खाल भेड़िए आके पंजाब की सत्ता से बैठ गया जो अरविंद केजरीवाल के कहने सरकार चला रही है। नील सर साडे जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर बुलारे, नील साहब एक बड़ा इल्जाम डॉक्टर कुमार विश्वास चढ़ाया है कि बदलाखोरी के सब कुछ तहत है सब कुछ हो रहा है। देखो अमन जी, आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की बदलाखोरी की राजनीति दे विच विश्वास नहीं रखती, असी ते बल्कि हमेशा ही इस दे सफल रहे हैगे आ कि साडी विरोधी पार्टियां जदों सत्ता दे विच हुंदियां सी बदलाखोरी दे नीति दे तहत सानू परेशान करदियां रहियां ने, सो साडा बदलाखोरी की राजनीति दे विच कोई विश्वास नहीं है, और पंजाब पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और असी पहले दिन बिल्कुल क्लीयर कीता सी कि पुलिस दे विच राजनीतिक दखल अंदाजी साडे राज दे विच नहीं होएगी। आईटी एक्ट दे तहत सब कुछ होया, मामला भी दसोगे थोड़ा? नहीं देखो मैनू तो मामले का पता नहीं है, तो पंजाब पुलिस ही तो पूरा मामला दस सकती है भी की मामला है किवें हैगा, क्योंकि जे पंजाब पुलिस दे कोई इनपुट होएगी पंजाब पुलिस कोल तां ही उत्थे गई होएगी, तां ही उन्होंने रेड की होएगी। जी 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 सर, थोड़ी देर पहला ना मेरी गलबात हो रही थी सुभाष शर्मा साहब नाल, उन्होंने तो तरह तरह के इल्जाम लाए, उन्होंने कहा कि फ्री बिजली की पहली उलझा दिती है इन्होंने, एस वाई एल के मुद्दे लैके राज्यसभा मैंबर सुशील गुप्ता का मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि कहण ते करण च इन्हां दे बहुत फर्क है। देखो सुभाष शर्मा जी की कहिंदे ने कोई बहुता मायने नहीं रखता, कोई पंजाब की राजनीति विच ओह इररेलेवेंट ने, जिथे जिथे इन्हां दा आम आदमी पार्टी नाल सीधा टाकरा होया, दिल्ली दे विच असीं तीन वार ही इन्हां दी गोडनियां लवाईयां, पंजाब दे विच इन्हां दा सुपड़ा साफ करता, उन्हां दी तड़फ सानूं समझ आउंदी है, उन्हां नूं लोकां नाल सरोकार नहीं है, उन्हां नूं आह जिहड़ा कुमार विश्वास दे उत्ते पंजाब पुलिस गई है उहदे उत्ते जिहनी कि सरोकार नहीं है, उन्हां दी तड़फ इस करके हैगी है कि जिस तरीके नाल उन्हां दा पंजाब दे विच सूपड़ा साफ होया, जिस तरह बाकी स्टेट दे विच गुआंढी सूबे होण भावें गुजरात होवे उत्थे आम आदमी पार्टी नूं समर्थन मिल रहा हैगा, उस तो इन्हों प्रॉब्लम हैगी है, क्योंकि अज हिंदुस्तान के पद्धर के उत्ते जेकर कोई पोलीटिकल पार्टी इन्हों टक्कर दे रही है ज दे सकती है वह श्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप के हेठ आम आदमी पार्टी ही दे रही है, उन्होंने तरफ यह है। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।